में शोक का माहौल है। सुखदेव राज भर कई दिनों से बीमार चल रहे थे। वे आजमगढ़ की दीदारगंज क्षेत्र से बसपा विधायक थे। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सुखदेव राजभर 3 दिन से गोमती नगर स्थित चंदन हॉस्पिटल में भर्ती थे और सोमवार को उन्होंने अंतिम सांस ली। सोमवार की रात करीब 8:30 बजे उनका निधन हो गया। उनके निधन से राजनीति जगत में दुख का माहौल बना हुआ है। वहीं सीएम योगी और अखिलेश यादव ने उनके आवास पर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। ये रिपोर्ट देखिए। विधानसभा अध्यक्ष और आजमगढ़ की दीदारगंज क्षेत्र से बसपा विधायक सुखदेव राजभर का सोमवार को निधन हो गया। वह 3 दिन से गोमती नगर स्थित चंदन हॉस्पिटल में भर्ती थे। चंदन अस्पताल के एमडी डॉक्टर फारूक अंसारी ने बताया कि सुखदेव राजभर गुर्दे की बीमारी से पीड़ित थे। उनकी डायलिसिस चल रही थी, जहाँ सोमवार की रात 8:30 बजे के करीब उनका निधन हो गया। सुखदेव राजभर मायावती के साथ ही मुलायम और कल्याण सिंह कैबिनेट में भी मंत्री रहे। सुखदेव के निधन पर सीएम योगी आदित्यनाथ और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट कर दुख जताया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने शोक संदेश में कहा कि सुखदेव राजभर का निधन अत्यंत दुखद है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री राम चरणों में स्थान और शोकाकुल परिजनों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। वहीं अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा, यह अत्यंत दुखद है। यूपी विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ राजनेता सुखदेव राजभर जी का निधन अपूर्ण क्षति है। सामाजिक न्याय को समर्पित आपका राजनीतिक जीवन सदैव प्रेरणा देता रहेगा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सुखदेव राजभर जी का निधन अत्यंत दुखद है। उनको विनम्र श्रद्धांजलि समर्पित है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के निधन से न केवल पार्टी को झटका लगा, बल्कि पिछड़ों ने भी एक अच्छा नेता खो दिया। उनके निधन से क्षेत्र में शोक की लहर है। सुखदेव राजभर ने अपना पहला चुनाव साल 1991 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के नरेंद्र सिंह को 24 मतों से पराजित कर जीता और विधायक बने थे। 1993 में सपा बसपा गठबंधन की सरकार में मंत्री बने। 1996 के चुनाव में भाजपा के नरेंद्र सिंह से पराजित हुए। पराजित होने के बाद विधान परिषद सदस्य चुन लिए गए। लालगंज विधानसभा सुरक्षित हो जाने पर 2012 में दीदारगंज विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और सपा के आदिल शेख से चुनाव हार गए। 2017 में पुनः दीदारगंज से चुनाव लड़े और जीत गए। सुखदेव राजभर का जन्म 5 सितंबर 1951 को आजमगढ़ के बड़गहन में हुआ था। बीएससी व एलएलबी की शिक्षा प्राप्त करने के बाद सुखदेव राजभर ने अपने सफर की शुरुआत वकालत से की थी। एक बेटा और 5 बेटियों के पिता सुखदेव राजभर मई जून 1991 में हुए 11वीं विधानसभा के चुनाव में पहली बार विधायक बने। वह अनुसूचित जातियों, जनजातियों और विमुक्त जातियां संबंधित समिति के सदस्य भी रहे। 2005 से 2012 के बीच 15वीं विधानसभा के चौथी बार सदस्य चुने गए। 2007 से 2012 के बीच प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर व हांगकांग की विदेश यात्राएं भी की। इस साल अगस्त महीने में बीएसपी के कद्दावर नेता सुखदेव राजभर ने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया था। हालांकि राजनीति के पुरोधा रहे सुखदेव राजभर के निधन से राजनीति जगत में अपूर्ण क्षति है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। और खबर मिर्जा